दोस्तों जो नए क्रिएटर्स होते हैं उनके वीडियो पब्लिक करने का टाइम जो है कुछ गलत होता है दोस्तों। वो समझ नहीं पाते हैं कि हम जो है वीडियो को कब पब्लिक करें कब ना करें दोस्तों, वो समझ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों अगर इस प्रकार से आदमी करता रहेगा, कोई जो नए क्रिएटर हैं करते रहेंगे, तो उनका वीडियो जो है वायरल नहीं हो पाएगा दोस्तों, ना उस पर व्यूज़ आएगा दोस्तों। उनको ये समझना है कि उनके जो है व्यूअर्स जो है कब जो है ऑनलाइन होते हैं, या मतलब अधिकतर व्यूअर्स कब किस किस समय जो है ऑनलाइन होते हैं, उनको इस चीज़ का जो है ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। वैसे जो है जो मान लीजिए जो छोटे क्रिएटर्स हैं वो दोस्तों अपने बड़े क्रिएटर्स का जो टाइम है वीडियो डालने का टाइम है वो दोस्तों वो उनसे जो है इंस्पायर हो सकते हैं, उनका देख करके जो है वीडियो को पब्लिक कर सकते हैं। तो इससे उनको जो है दोस्तों फ़ायदा होगा, क्योंकि उनके कैटेगरी का जो भी मतलब बड़े क्रिएटर्स हैं उनका वो जब वीडियो डालते हैं उनके डालने का जो समय होता है दोस्तों उसके अनुसार जो है आप वीडियो बना करके उसी उस समय 10-15-20 मिनट आधा घंटा बाद जो है आप भी अपनी वीडियो को जो है उनके साथ पब्लिक कर दीजिए दोस्तों। तो इससे जो है काफ़ी जो है इफ़ेक्ट पड़ेगा आपके व्यूज़ पर दोस्तों, और आपका वीडियो भी मतलब कुछ रैंकिंग में जाएगा, कुछ वाच जाएगा, क्योंकि उस समय जो है उनके भी व्यूवर्स जो है जो बड़े टॉप क्रिएटर्स हैं उनके व्यूवर्स भी जो है एक्टिव रहते हैं उस समय। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आप अपने जो है व्यूज़ को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर जो आप गलत टाइम डाल देंगे दोस्तों कभी मान लीजिए, और दोस्तों कुछ लोग जो है ये जो व्यूवर्स मतलब हुए व्यूवर्स कम ऑन यूट्यूब, वो जो ग्राफ होता है दोस्तों उस ग्राफ को देख करके दोस्तों जो डार्क एरिया होता है उससे लोग कहते हैं कि मतलब हाँ इस समय जो है जो व्यूअर्स जो हैं ऑनलाइन रहते हैं, वो दोस्तों ऐसा नहीं है। आप जो है जो वीडियो डालते हैं आप जितने भी समय डालते हैं, मान लीजिए आप 2 बजे डालते हैं तो 2-3-4 जो है का जो टाइम होता है एरिया वो डार्क रहता है, बाकी मान लीजिए आप 11 बजे डालते हैं तो 11-12-1 मिनट डार्क रहेगा दोस्तों। सुबह में डालते हैं 6 बजे तो 6-7-8 जो है डार्क रहेगा दोस्तों, 8 बजे डालते हैं तो 8-9-10 जो है डार्क रहेगा दोस्तों। तो वो जो डार्कनेस जो आपका उसमें दिखा रहा है वो आपके वीडियो का जो है जब आप डालते हैं तो उस समय डार्क हो जाता है, और कुछ जो व्यूज आ जाता है दोस्तों तो उसी का जो है वो डार्क दिखाता है उसमें। ऐसा नहीं है कि मतलब वो जो यूट्यूब बताता है कि हाँ आप व्यूअर जो है इस समय ऑनलाइन हो रहे हैं आप इस समय डालिए, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। वैसे आप जो है अपने जो है बड़े टॉप क्रिएटर्स को आप जान लीजिए, उनके उनको वाच कीजिए, और वो कब वीडियो डालते हैं उनके वीडियो को जो है आप देखिए, उनके टाइम को देखिए कि वो जब वीडियो कब डालते हैं, आप जो है उसी समय जो है आप वीडियो बना के अनलिस्ट करके रखे रहिए, उसके बाद जो है आप पब्लिक करने का टाइम जो है उनके वीडियो डालने के बाद जो आपके कैटेगरी के जो टॉप क्रिएटर्स हैं वो जब वीडियो डालते हैं दोस्तों आप उसी समय जो है उसके बाद जो है 10-15-20 मिनट बाद आधा घंटा बाद जो है आप वीडियो जो है डाल सकते हैं। इससे जो है आपको काफ़ी फायदा होगा दोस्तों। और जो है कुछ लोग जो है देखिए, और जो भी नए क्रिएटर्स है, और इसका एक आइडिया दोस्तों और है तो इसको मैं बताता हूँ दोस्तों। अगर जो दोस्तों आप सबने हमारे वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों एक और आइडिया आपको देता हूँ दोस्तों, आप देखिए, आप जो है देखिए हम आपको बता दें, सुबह के समय जो है एकदम आप वीडियो डालेंगे तो आपका वीडियो कोई देखेगा नहीं, मतलब आप जैसे 5-6-7-8 मैं आपको बता दूं, सुबह में लोग मान लीजिए कोई लेट सो के उठ रहा है, कोई जल्दी सो के उठ रहा है, तो उसमें दोस्तों लोग जो है सुबह में अपना दूसरा दिनचर्या वाला काम करते हैं। तो इससे ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपका वीडियो जो है आप 6 बजे डाल दे रहे हैं, 7 बजे डाल दे रहे हैं दोस्तों, तो चल भी सकता है, ऐसी बात नहीं है दोस्तों, लेकिन मान के चलिए लोग दोस्तों अब जब सुबह से फारिग होकर के अपना जो डेली का कार्य दिनचर्या होता है उसको सुबह वाला जो है करके उसके बाद दोस्तों 8-9 बजे जो है लोग अपने मोबाइल के साथ एक्टिव रहते हैं, मतलब मोबाइल जो अपने हाथ में ले लेते हैं, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो जवान हों दोस्तों। तो वो जो उस समय वीडियो जो है उस समय अगर जो वीडियो डाला जाएगा 8-9 बजे के करीब, 10 बजे के करीब दोस्तों, 8-9 बजे तो ज़्यादातर मान लीजिए 10 बजे नहीं 8-9 बजे दोस्तों, तो यहाँ पे 8-9 बजे आप वीडियो डालिए तो दोस्तों वहाँ पे क्या होता है कुछ लोग मतलब एक्टिव रहते हैं, उतना उनको समय मिल जाता है, 1-2 घंटे जो है कोई ड्यूटी करने वाला है 10 बजे जा रहा है, तो कोई मतलब खाना खा रहा है तो वीडियो आ गया वो भी देख लिया दोस्तों, कुछ 1-2 घंटे का बीच में लोग टाइम निकाल के मोबाइल को जो है वॉच कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप 8-9-10 बजे तक आप वीडियो डाल सकते हैं दोस्तों।
उसके बाद जो है दोस्तों आपको बीच में ज़्यादातर नहीं डालना है दोस्तों, जैसे मतलब 10 ज़्यादातर 10 से कम ही रखिए, 10 11 12 बजे दोस्तों नहीं डालना है। उसके बाद दोस्तों आप समझ लीजिए लोग अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, और भी मान लीजिए कोई बच्चा कोई बच्चे लड़के हैं भी वो वॉच करते हैं कोई भी वीडियो आ गया दोस्तों, या कोई छोटे मतलब पढ़ाई पीरियड में है तो अपना पढ़ाई करते हैं दोस्तों, तो वो उनका मान लीजिए लंच वाला काम हो गया या मतलब वो अपना पढ़ाई से हो गया, तो आप जो है 12 बजे के बाद जो है 1 बजे 2 बजे आप जो है डाल सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ भी जो है वो जो मेंटेन रखते हैं वहाँ पे व्यूअर्स जो है उस समय जो है काफ़ी जो है एक्टिव रहते हैं। उसके बाद दोस्तों फिर थोड़ा सा शाम के समय 3 बजे के बाद दोस्तों दूसरा दिनचर्या होता है, लोग अपना कहीं वॉक पे चले जाते हैं, कहीं मतलब कोई मार्केट चला गया दोस्तों, तो कोई मतलब ऑफिस से आ रहा है दोस्तों, तो मान के चलिए कि अगर जो फिर उसके बाद जो है टाइम आप निकाल करके दोस्तों 5 से देखिए 5 बजे छुट्टी हो जाता है दोस्तों, तो कुछ लोग तो मतलब बच्चे भी चले जाते हैं जो भी मतलब हाई स्कूल इंटर या जो भी हैं वो भी अपना घर चले जाते हैं दोस्तों, तो उनका जो हाथ में मोबाइल हो जाता है दोस्तों, तो आप जो 5 6 7 बजे जो है यहाँ जो 5 6 7 8 9 अधिकतम दोस्तों 9 बजे तक दोस्तों आप वीडियो डाल दीजिए दोस्तों। तो आप जो है इस टाइम में जो है आप एक फिक्स समय बना लीजिए कि आपको कब वीडियो डालना है। आप सुबह में 9 बजे डाल सकते हैं, आप दोपहर में 1 बजे 2 बजे डाल सकते हैं दोस्तों, उसके बाद शाम में दोस्तों 5 से 6 7 8 9 लेटेस्ट 9 10 10 तो ज़्यादा हो जाता है दोस्तों, क्योंकि उस समय 9 बजे दोस्तों लोग खाना ना खा करके जो है वो रेडी हो जाते हैं, बिस्तर पे हो जाते हैं दोस्तों, तो उस समय जो वीडियो आता है दोस्तों तो वो वॉच करते हैं। और जो भी कुछ लोग होते हैं भाई जिनके पास व्यूअर्स हैं जिनके पास सब्सक्राइबर्स हैं तो उनकी कोई बात नहीं है, उनकी वीडियो को लोग नोटिफिकेशन से भी सर्च कर लेते हैं, नोटिफिकेशन में भी आ जाता है, तो लोग लेट लतीफ भी उनके वीडियो को वॉच कर लेते हैं। लेकिन जो नए क्रिएटर्स होते हैं दोस्तों तो उनके पास कोई सब्सक्राइबर नहीं होता है दोस्तों, तो उनके पास जो वीडियो कहीं जाता है तो तभी लोग वॉच करेंगे दोस्तों। तो अब वीडियो जब उनके पास जाएगा तब वॉच करेंगे, तो दोस्तों तो हम जो नए क्रिएटर्स हैं उनको ध्यान में रखना होगा कब व्यूअर्स जो है मतलब ऑनलाइन रहते हैं, ज़्यादा यूट्यूबर्स जो है व्यूअर कब ऑनलाइन रहते हैं, तो उनको इतना ध्यान में रखना होगा। एक टाइम अपने एक साइकोलॉजिकल के रूप में सोचिए कि कब लोग जो है फ्री रहते हैं या हम ही कब फ्री रहते हैं, कब कब यानी कि ये सुबह में लोग खाते पीते समय एक आध घंटे इधर उधर फ्री रहते हैं, फिर दोपहर में कुछ आराम करते हैं दोस्तों फिर भी मोबाइल अपने हाथ में ले लेते हैं, उसके बाद दोस्तों शाम के समय भी कुछ आदमी अपना काम करने के बाद बैठ जाता है कभी मोबाइल देख लिया दोस्तों उस समय भी रहता है, फिर सोते समय भी लोग अपना जो है वीडियो को वॉच करते हैं दोस्तों। तो ये सब टाइम जो होता है ये दोस्तों नए क्रिएटर्स के लिए ये सुटेबल टाइम रहेगा दोस्तों। और वैसे तो आप अपने टॉप क्रिएटर्स का जो टाइम है उन लोगों का भी यही सब टाइम होता है दोस्तों, कोई सुबह में डाल देता है, कोई दोपहर में डालता है 1 2 बजे, फिर लोग कुछ शाम को भी डालते हैं 5 बजे के बाद डालते हैं, तो यही इन सब का भी समय होता है दोस्तों। तो वो लोग जानते हैं कि कब व्यूअर्स ऑनलाइन रहते हैं, कब उनके हाथ में मोबाइल होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से दो है दोस्तों आप अपने वीडियो को दोस्तों वायरल कर सकते हैं और ज़्यादा व्यूज़ जो है ला सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर जो हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।